हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं है कि आप रोशाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग G3 का रिव्यू। एंड गाइस देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इसे यूजेज करने के बाद कैसा आपको फील आएगा या इसका परफॉर्मेंस गिरता है क्या होता है। यहाँ पर मैं टोटल आपका ये सब जितना भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में आपका सारा के सारा क्लियर कर दूंगा। एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा हीट करता है एंड इसका बैटरी बैकअप कैसा है एंड इस पर आप हैवी हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में आपको क्लियर सारा चीज बताने वाला हूँ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप टेक ट्रेनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा सब्सक्राइब और भी ऐसे टेक एंड रिव्यूज वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये है अपना लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका एकदम क्लासिकल लुक दिया गया है प्रोफेशनल। एंड ये देख सकते हो पूरा ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड है, ये ऊपर का पोर्शन या नीचे का पोर्शन सारा चीज प्लास्टिक है। यहाँ पर PVC आपको मिल जाएगा हाई बिल्ड क्वालिटी का। देन गाइस यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 2 USB केबल मिल जाएगा जैक, दोनों है जो 3.1 है। एंड एक ऑक्स केबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये है आपका थर्मल वेंट, यानी आप इसे कह सकते हो एयर वेंट जहाँ से हीट निकलता है। और गाइज इसके पीछे भी है, देख सकते हो 2 फैन है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। गाइज इसके पीछे से भी बहुत ज़्यादा हीट निकलता है एंड यहाँ पर भी एक दिया गया है वेंट एंड देख सकते हो शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे इसका स्क्रीन ऊपर होगा तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। एंड गाइज देख सकते हो, एंड ये देखिए साइड में इसका एक और है एयर वेंट एंड एक ये चार्जर केबल है, अर्थनेट पोर्ट एंड HDMI और टाइप सी। ये रहा यहाँ पर गाइज आपका इसका सारा जैक का इन्फॉर्मेशन। एंड ये तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल दे देता है, जैसे अभी मैं ऑन किया इसे एंड आप देख सकते हो ये लगभग 5 से 10 सेकेंड के अंदर ये मेरा लैपटॉप ऑन हो जाता है, देख सकते हो आप। एंड इसका पासवर्ड है मेरा यहाँ पर, ये प्रॉपरली गाइज ऑन हो चुका है जो कि आप देख सकते हो। एंड गाइज जो कि मैं आपको इसके पहले बताया हूँ, यहाँ पर आपको एयर वेंट्स यहाँ से भी देखने मिल जाएगा, यहाँ से भी एयर निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है एंड एक इधर। तो गाइज इस लैपटॉप में आपको टोटल 4 एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड चलते हैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो गाइज इसका जो लुक्स है जो मैं आपको पहले ही बता चुका, क्लासिकल एंड प्रोफेशनल टाइप है एंड इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव बूटिंग स्पीड भी दिखला चुका हूँ, 5 से 10 सेकेंड के अंदर ये ऑन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट। एंड अब चलते हैं इसे कीबोर्ड पर, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बिग एरो कीज देखने के लिए मिल जाएगा फॉर गेमिंग एंड एनीथिंग एल्स, जो कि आप देख सकते हो इस लैपटॉप में व्हाइट RGB LED लाइट दिया गया है एंड यहाँ पर टोटल 250 निट्स दिया गया है इसका स्क्रीन का ब्राइटनेस। देन गाइस इसका मैं ओवरऑल कीबोर्ड का रेटिंग देना चाहता हूँ 10 में से 9, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा साइलेंटली यहाँ पर आवाज़ भी नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर सॉफ्टनेस देखने के लिए मिलता है एंड फील भी बहुत ज़्यादा गुड वाला आता है। एंड चलते हैं अब इसके माउस टच पैड पर, ये देखिए ये है आपका माउस टच पैड। यहाँ पर क्या है कि गाइस इसके थोड़ा बड़ा तो दिया गया यहाँ पर एंड बहुत ज़्यादा ये भी फास्ट है, अच्छा है, लेकिन गाइज ये क्या है कि इसे प्रेस करने पर देखिए किस टाइप का फीलिंग आता है, बहुत ऑड सा लगता है प्रेस करने पर। तो फ्रेंड्स ये भी सही है मिला जुला कर। अब हम लोग आते हैं इसके डिस्प्ले पर एंड इसका रेजोल्यूशन है गाइज 1080 फुल HD डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन इसका रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा 120 जो कि बहुत बढ़िया है गेमिंग पर्पज से एंड 250 ब्राइटनेस नीट मिल जाएगा जो कि मैं आपको पहले भी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। एंड गाइज मैं इसका रेटिंग आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देन गाइज अब आ जाते हैं इसके बैटरी के ऊपर एंड इसका बैकअप कितना है और बैकअप कितना देता है गेम खेलने वक्त एंड प्लग के साथ खेलने में कैसा क्या क्या फील, हर एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट। ये रहा आपका गेमिंग लैपटॉप एंड यहाँ पर प्लीज आप बैटरी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करिएगा एंड बैकअप से खासकर, एंड नॉर्मल आप इसे यूज करिएगा तो आपको 3 से 4 घंटा ये बैकअप आपको निकाल कर दे देगा, लेकिन आप गेम जैसे खेलोगे तो आपको लगभग गाय ये 1.5 घंटा भी बैकअप निकाल कर नहीं दे पाएगा, ये मेरा गारंटी है। वो भी गाय जस्ट लाइक हाई FPS वाला गेम, जस्ट लाइक वैलोरेंट एंड GTA 5 वगैरह वगैरह। तो गाय देखिए इसका मैं
बतला रहा हूँ। एंड यहाँ पर जैसे आप आइएगा, इसका जो ब्राइटनेस है अगर आप 50% पर यूज करिएगा तो आपको ये कन्फर्म 4 hours से 5 hours तक बैकअप निकाल कर देगा। जस्ट लाइक आप मूवी देख रहे हो या वगैरह वगैरह कोई वर्क कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, एंड तो आपको ये 4 से 5 घंटा बैकअप निकाल कर देगा। जैसे आप ये 100% करोगे तो गाइस इससे आप बैटरी का एक्सपेक्ट बहुत कम लगा कर रखना, एंड ये बैकअप बहुत ज़्यादा कम देता है। लेकिन गाइस ओवरऑल मैंने चेक किया, लगभग सारी जितनी भी गेमिंग लैपटॉप है वो दम सेम ऐसा ही है, एंड इससे आपको 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा बैकअप वो दे देगा। लेकिन गाइस सेम ऐसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है बैटरी बैकअप के रिगार्डिंग। तो गाइस देखिए इसका मैं अब बैटरी बैकअप पर, ये रहा मेरा रेटिंग, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर। तो गाइस अब चलते हैं परफॉर्मेंस पर। इसका गाइस जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, जस्ट लाइक मशीन बीस्ट आप इसे कह सकते हो। एंड यहाँ पर मैं देख सकते हो एडिटिंग, गेमिंग, हर एक चीज करता हूँ। यहाँ पर मेरे को नो लैग, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए अभी तक मुझे नहीं मिला। ये लैपटॉप को मैं प्रॉपर 3 महीना से यूज कर रहा हूँ, एंड वो भी गाइस नॉर्मल यूज नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड यूज। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर रोज 2-3 वीडियो एक्सपोर्ट करता हूँ, गेमिंग एंड वगैरह सारा चीज करता हूँ उस पर, एंड आप देख ही सकते हो। एंड आपको गाइज कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टेंट कॉमेंट में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसका परफॉर्मेंस पर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन सी प्रोसेसर और GPU है। तो इसका आप देख सकते हो, इसमें मेरा इसमें राइजन है AMD का 7, एंड इसमें इसका GPU है RTX 3050, एंड AMD का भी इसमें ग्राफिक्स दिया गया है 2GB, एंड यहाँ पर GTX का GeForce का है 4GB ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि मैं गाइस बताऊंगा अभी, जस्ट एंड वॉच। तो ये रहा आपका AMD का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। ये आप यहाँ सब चीज देख सकते हो, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना क्लॉक स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर आपको सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। देन गाइस आप यहाँ पर इसमें एक इतना अच्छा सिस्टम दिया गया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मान लो गाइज आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो या नॉर्मल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका वर्क करेगा AMD का ग्राफिक्स। एंड जैसे आप कोई हार्ड सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक सॉलिड वर्क या वगैरह दम हैवी वाला दम, जैसे कि वीडियो एडिटिंग आप यूज कर रहे हो कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर, तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका ये RTX 50 वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे ये फीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। देख सकते हो ये है RTX इट्स ऑन रे ट्रेसिंग एंड NVIDIA DLSS कमिंग सून वगैरह, ये अपना ये GeForce का ऐप है, तो यहाँ पर ये सब शो कर रहा है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में तो मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आया आज तक। मैं यहाँ पर लाइव वैलोरेंट एंड GTA 5 एंड वगैरह हार्ड से हार्ड सॉफ्टवेयर और फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग मैं इसमें किया हूँ, और कहीं पर भी लैग एंड वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको 10 में से 10 रेटिंग दूंगा, आप शायद देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर। एंड चलते हैं इसके चार्जिंग पर। तो चार्जिंग स्पीड इज रियली ऑसम, बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर लेनोवो का लीजियन एक एप्लीकेशन इसमें इनबिल्ट पहले से इंस्टॉल है, एंड देख सकते हो आप लीजियन 8 वगैरह करके ये CPU का है, एंड SSD VRAM GPU। तो यहाँ पर सारा चीज बताया जा रहा है कि कितना क्या क्या यूजेस है एंड क्लॉक स्पीड वगैरह हर एक चीज। तो गाइज आपको इसमें मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पावर का एक ऑप्शन है, इस पर टैप करना है आपको, एंड जैसे टैप कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे नीचे में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रैपिड चार्ज। तो गाइज रैपिड चार्ज क्या होता है, मान लो गाइज आपका अभी 10% यहाँ पर चार्ज हो चुका है, एंड आप चाहते हो कि इसमें तुरंत में 50 या 60 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर देना है ऐसे। तो गाइज तब पता चलेगा आपको रैपिड चार्ज क्या होता है।
इसमें आपको दे दिया गया है 170 वॉट का चार्जर जो कि आप देख सकते हो, एंड इसका जैक कुछ इस तरह का है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका चार्जर। चार्जर तो गाइस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो इसका चार्जिंग के रिगार्डिंग गाइस मैं यहां पर रेटिंग आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। तो इसकी स्पीकर भी गाइस बहुत ही अच्छा है, जो आप एक्सपेक्ट करिएगा मेरे ख्याल से वो इस बीच में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं इसका सिर्फ एक चीज छोड़कर बैटरी बैकअप सारा चीज तगड़ा है, क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये बीस्ट है गाइस, बीस्ट मशीन, बीस्ट आप इसे कह सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ मेरा ये इसका रिव्यू। मैं यहाँ पर इसे, तो फ्रेंड्स मैं इसे रेगुलर 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ, सुबह हो या शाम हो या रात हो, 3 टाइम से ज्यादा मैं इसे यूज कर रहा हूँ, लगभग 8 घंटा रोज मैं इसे 10 घंटा यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा अभी तक। एंड गाइज इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर कॉमेंट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट के इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हो, एंड वहाँ डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मुझे, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा इंस्टेंट। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर से जरूर। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।